हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? और बेहतरीन होंगे 40 की एज में। बच्चों देखिए, मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, 40 की एज में 20 जैसा दिखना और 20 की एज में 40 जैसा दिखना। मैं हमेशा कहता हूँ एज इज़ जस्ट अ नंबर बच्चों, ठीक है? नहीं, अब आप लोग मुझे ये मत बोलना कि सर आप हो 34 के और दिखते 50 के हो। सो आई एम रियली सॉरी अगर ऐसा है, बट मैं अगर मेरे अंदर कुछ दोष है तो मेरा काम ये है कि मैं कम से कम वो चीज़ बता सकूँ आपको जिससे आप भी अपने लिए एक सही राह चुन सकें। बच्चों याद रखना, 20 की एज में 40 जैसा दिखना और 40 की एज में 20 जैसा दिखना एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे लड़कियाँ हों या लड़के। मैं चाहता हूँ ये वीडियो पूरा देखें बच्चों। गलत लाइफस्टाइल के चलते, गलत ईटिंग हैबिट्स के चलते, उसके बाद जंक फूड्स के चलते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के चलते, नींद पूरी ना करने के चलते बहुत ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स को देखा है। किसी का हेयर फॉल शुरू हो गया, कोई किसी का बहुत मोटा हो गया, कोई किसी के का नाक आँख के नीचे काले गड्ढे आ गए और किसी को पिंपल आ गए। हालांकि पिंपल तो मुझे भी आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों। मैं सब मानता हूँ, लेकिन यार मुझे एक चीज़ बताइए, टेंशन तो अक्षय कुमार के पास भी है ना, उसके पास क्या टेंशन नहीं है बच्चों? जितना आपका बिजनेस ग्रो होता है आपका टेंशन उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नहीं सर, वो फिटनेस इंडस्ट्री से है सर, मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है? अपनी भी एजुकेशन इंडस्ट्री में एक से एक धुरंधर लोग हैं जो काफ़ी अपने आप को अच्छा मेंटेन करते हैं। सो बच्चों, मैं बस आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास एज है, आपकी एज होगी 20 साल, 21 साल, 22 साल, 19 साल, 18 साल। कम से कम ऐसा मत होने दीजिए कि आप 18 साल की एज में दिखते हैं 22 साल के, 22 साल की एज में दिखेंगे 28 साल के, 28 साल की एज में दिखेंगे 34 साल के। नहीं, पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी, सब कुछ अच्छा है बच्चों, सीएस करना, सीए करना सब अच्छा है, ज़िंदगी में आगे जाना बहुत ज़रूरी है। बट बच्चों अच्छी फिटनेस होना, वो खुशी कि यार आप 35 की एज में भी 40 की एज में स्मॉल साइज़ का, मीडियम साइज़ का टी शर्ट पहन रहे हो, आप टी शर्ट पहन सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है? मैंने थोड़ा लेट रियलाइज़ किया बच्चों, मैं भी जो मेरे यंग डेज थे ना, जब गर्लफ्रेंड बनाते लोग, उस समय मेरा वेट 90 केजीज हुआ करता था, तो कभी लॉटरी नहीं लगी यार बेटा अपनी। सो मतलब दिस इज़ नॉट ऑन द पर्पज, सो समवेयर आई रियलाइज इन द ईयर 2015 दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई बॉडी, आई नीड टू क्रिएट गुड फिजिक। सो तब से बच्चों एक प्रकार से कोशिश रही है कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, बाहर का खाना बंद किया जाए, शुगर इनटेक कम किया जाए। सो हालांकि मैं साल में 10 दिन ऐसे निकालता हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, स्पेशली व्हेन आई गो टू माय प्लेस राजस्थान, छत्तीसगढ़। सो बट स्टिल मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ बच्चों, आप सब लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो हो सकता है एग्जाम के 2 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए बच्चों। यू हैव टू मेक योर इम्यूनिटी वेरी स्ट्रांग, बट स्ट्रांग इम्यूनिटी कब होगी? जब आप अच्छा फूड खाएंगे। सो कुछ मैं आपको डाइट सजेस्ट करना चाहता हूँ, बेसिकली जो सीएस कर रहे हैं। और बच्चों आपको पता है ना, जितनी अच्छी आप डाइट लेंगे आप उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आप जितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और बच्चों ज़माना कॉम्पिटिटिव है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है? और बच्चों प्लीज़, जब मैं कहूँगी आप फिजिक अच्छा रखिए, अपनी बॉडी अच्छी रखिए, इसका मतलब मैं ये शक्ल से कुछ नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, शक्ल तो अपनी भी डामरी है, कुछ नहीं है, बट शक्ल मेरे कंट्रोल में नहीं है बच्चों, क्योंकि वो भगवान ने दी है मुझे, डेफिनेटली मैं उस चीज़ पे गर्व करता हूँ। बट मेरे कंट्रोल में है बच्चों कि मैं अपनी बॉडी कितनी अच्छी रखता हूँ, मैं अपनी बॉडी कैसे मेंटेन करता हूँ। सो स्पेशली लड़के जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे तहे दिल से गुजारिश करता हूँ, यार बहुत मज़ा आता है अच्छी बॉडी हो ना, थोड़ा सा पेट कम हो। अब तुम लोग ये एक्सक्यूज़ मत देना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कहाँ टाइम नहीं मिलता। जस्ट यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ कंट्रोल ऑन योर डाइट, मतलब ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाना है। जैसे सुबह तुम लोग जब उठते हो तो कैरॉक्स खा सकते हो, ओट मील ले सकते हो, वो सफोला का 10 रुपये का ओट आता है, आप वो खा सकते हो। वो खाने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो, ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो मूँगफली खा लो यार, ठीक है? 2-3 घंटे के बाद सोयाबीन का कुछ खा सकते हो, सोयाबीन खा लो, सोयाबीन नहीं है तो थोड़ा सा पनीर का एडजस्टमेंट करो, पनीर नहीं है तो 2 गिलास दूध पी लो, एक गिलास दूध पी लो। फिर दोपहर को जब खाना खाते हो थोड़ा सा दही ऐड कर लो, रोटियां कम रखो, 2 रोटी रखो। फिर वो आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बट मेक श्योर 2 रोटियां खाओ, थोड़ा चावल खाओ, ऐसा नहीं कि सलाद मिला तो सब खा लिया बच्चों। क्योंकि अभी ना हम लोग ना, जैसे हमारे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फिजिकल काम बहुत होते थे, अभी फिजिकल टाइम का काम नहीं है, आप लोग क्लासेस भी ऑनलाइन ही देख लेते हैं, पढ़ाई भी घर पे कर लेते हैं, कहीं जाना नहीं होता, दोस्तों से मिलना नहीं होता, तो आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती बच्चों। ऐसे मोटे हो जाओगे तुम लोग,
और लड़कियां भी नहीं मिलेंगी शादी के लिए, मैं बता रहा हूँ तुमको, तो मेरी बात सुन लो भाई। तो अपनी फिजिक अच्छी रखो, फिर जो बच्चे दुबले पतले हैं वो ऐसे दुबले पतले हैं कि फूक मार तोड़ जाएंगे, तो बच्चे उनको भी अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड कीजिए, कार्ब्स ऐड, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कीजिए। बच्चों कहने का मतलब ये है कि 40 की एज में भी ना आपको 20 साल जितना दिखना चाहिए। बच्चों मैं भी, मेरा भी वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, डेफिनेटली शायद मैं और ज़्यादा थोड़ा सा पतला हो जाऊँ और अच्छा कोशिश करूँ कि फिज़िक अपनी और अच्छी करूँ। प्लीज़ बच्चों ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप सब देखें, अपने प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स से शेयर करें कि भाई तुम लोग प्लीज़ 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 पढ़ाई के चक्कर में अपना शरीर ख़राब मत करो बच्चों। ठीक है, CS कोर्स तो 4 साल में हो जाएगा यार, ये शरीर तो ज़िंदगी भर साथ रहना, पढ़ाई करो ना साथ में, क्यों नहीं कर सकते यार, पढ़ाई करो, आधा घंटा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, और एक्सरसाइज क्या यार, 5-10 सूर्य नमस्कार कर लो, 25 डिप्स मार लो, थोड़ा सा लटक लो कहीं पे, अगर ग्राउंड राउंड है नहीं तो घर पे कहीं पे लटक लो थोड़ा सा, शोल्डर अच्छे होते हैं, मैंने तो अपने घर पे बोला अभी मंगवाया बच्चों पुलअप बार, डू इट बच्चों, अच्छा लगता है इफ़ यू एक्सरसाइज, नो चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, कुछ अचीव करने का मन करता है। और बच्चों एक चीज़ और बता दूँ मैं, आपके अपीयरेंस का आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मायने रखते हैं, तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों देखिए वो ज़माना पहले था जब राजेश खन्ना जैसे और मतलब यू नो पेट लेके आप हीरो बन जाते, लेकिन आज की डेट में 8 पैक्स आप ऐप वाले के बिना आपको लोग पसंद नहीं करते, मतलब कुछ लोगों की एक्टिंग एक्सेप्शनली अच्छी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बट मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी क्राउड को पसंद है। तो आज का ज़माना बच्चों, ज़माना बहुत चेंज हो गया है, सो लुक गुड, लुक गुड का मतलब शक्ल नहीं बच्चों, शक्ल तो अपनी भी दूध वाले जैसी है, मैं लुक गुड की बात करता हूँ। तो फिजिक अच्छा कीजिए बच्चों, कोशिश कीजिए कि आप अच्छा डाइट रखें, बाहर का खाना ना खाएं, अच्छा सोचें, स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी लें बच्चों, नहीं तो नींद तो आजकल बच्चों रात को मैं, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं तो नेटफ्लिक्स ही देखते रहता हूँ, सर 6 घंटे सोना है, मैं 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखता हूँ, 3 घंटे सो जाता हूँ, बच्चों ये सब फंसेंगे बच्चों, ये सब लोग 30-35 की एज में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, लाइफस्टाइल डिसीजेज बहुत हो रही हैं, तो बच्चों थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, खाना अच्छा खाएं, ग्रीन सब्जी अपने खाने में ऐड कीजिए बच्चों, मेरे खाने में रोज़ कंपलसरी 300 ग्राम भिंडी, नहीं तो तरोई, नहीं तो लौकी, नहीं तो कुंदरू, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता, तोंडली बोलते हैं मराठी में, हिंदी में कुंदरू बोलते हैं, वो सब रखता हूँ बच्चों, ग्रीन सब्जी के अलावा मैं कुछ खाते ही रात को, मतलब 300 ग्राम ग्रीन सब्जी कंपलसरी है विथ 150 ग्राम्स ऑफ पनीर। बच्चों मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको डाइट दूँ, मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आपको मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ, जिसमें याद रखना बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, आप 20 की एज में 40 जैसे दिख सकते हो, 40 की एज में 20 जैसे दिखते हो, व्हाट यू वांट टू चूज़ बच्चों, चूज़ कीजिए बच्चों, क्योंकि हमको ना बच्चों हॉलिस्टिक लाइफ चाहिए, कंप्लीट लाइफ चाहिए, हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें एडुकेशन भी लेना है, हमें अपनी फिजिक भी अच्छी रखनी है, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ तभी कंप्लीट होगी ना बच्चों। अगर पैसे की वैल्यू, पैसा ही सब कुछ होता तो मेरे ख्याल से अंबानी के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आते या फिर कुछ अच्छा करते, हालांकि बच्चों मैं उनको क्रेडिट, वो तो महान है बच्चों, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, बट मैं आप समझिए मेरा इंटेंशन समझिए बच्चों, प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ बच्चों, प्लीज़ फोकस ऑन योर डाइट, ग्रीन सब्जी खाइए, खुश रहिए, तरक्की कीजिए बच्चों, थैंक यू सो मच।